गीत आपकी सेवा में लेके चल रही हूँ। हमारे सभी भाइयों से निवेदन है गीत को सुनना सुना। वैसे हम सुना नहीं पाते लेकिन आप लोग सुन लेते हैं। और क्या, और क्या? एक ये आप लोगों के अंदर खूबी है। और क्या? ये हम लोगों में कमी है कि हम सुना नहीं पाते, ये आपकी विशेषता है कि आप लोग सुन लेते हो। ये तर्ज है, देखिए मर्ज कैसे आप तक पहुंचा रही हूँ। कैसे लिखे, कैसे? हमारे भारत में अनेक कवि हुए, सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, रैदास, रहीमदास। एक हमारे चचा रहीम खान जी भी हैं। लेकिन मैं कुछ कवि ला रही हूँ, उनकी विशेषता विशेष है, ऐसी कोई नहीं पाया। क्या बात है? एक कवि हुए जिनका नाम है चेतन महाप्रभु। चेतन महाप्रभु, जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है, चेतन महाप्रभु को आजान बाहु भी कहा जाता है। आजान बाहु, जिनकी भुजाएं घुटनों से नीची हो उन्हें कहा जाता आजान बाहु। चेतन महाप्रभु जगन्नाथ की यात्रा में नृत्य करते जा रहे हैं, लेकिन अचानक जी सुनना सुनना, दीपक भैया को और बढ़ा दो। दीपक भाई का कोई जोड़ नहीं है, दीपक तो दीपक है, क्योंकि दीपक अपना परिचय जल करके नहीं देता है। जी दीपक अपना परिचय उसका प्रकाश बता देता है। इसीलिए तो योगी जी ने दीपक जलाए हैं। Thank you.
इंडिया की तरफ से पुष्पमाल और ये 11 पद मुद्रा 21 पद मुद्रा है। क्या बात है, ये है निशाना। करकट फिल्म पे ऐसे ही राखी रेखा ने उछाल के माला गले में डाल दिया था धर्मेंद्र की। रवि भैया की तरफ से माला है बेटे, माला है और माल भी है। सुनिएगा महाप्रभु जी नाचते नाचते जगन्नाथ जी की तरफ बढ़े और जाकर के जगन्नाथ में ही समाहित हो गए। प्राण निकल गए, शरीर यही रह गया, लेकिन जगन्नाथ जी तो शरीर सहित समाहित हो गए। तो मेरा गीत कह रहा है धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। अनोखा सौ पहले के, 101 और पहले के, 51 और पहले के, 50 वही के। यह पहचान सक्रिय भैया टमाटर वाले टमाटर सहित है। 51 भैया मुकेश के लिए है, धन्यवाद है। मुकेश के लिए है, मुकेश की माला में परवल पड़े हैं। टमाटर घर ले जाना है, अभी परवल की माला आएगी। अब आगे चलते हैं दूसरे कवि हुए, दूसरे कवि आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। भैया जी सुने कि लेकिन मुसलमान कहने लगे ये मुस्लिम हम दफनाएंगे। जब ऐसा मसला हुआ भैया जी तो हिंदू मुस्लिम कबीरदास जी का पार्थिव शरीर पड़ा था उस पे चादर पड़ी थी, तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, जैसी चादर हटाई तो देखा क्या चला गया फूल श्री मान रहे गए। न हिंदू न मुस्लिम, क्या बात है ये जी। इसीलिए कहा जाता है कि सूखी गुल देखकर गुलिस्तान रो पड़े, अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े। अरे ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों।
का घर जले तो ये मुसलमान रो पड़े। बात अपनी सरे बाजार ना गिरने देना और हाथ से अमन की पतवार ना गिरने देना। तुमको कुरान का गीता की कसम है यारो, भाईचारे की ये दीवार ना गिरने देना। अब आखिरी कवि जिनका नाम कौन नहीं जानता, भक्तिमती मैया मीरा भाई। जैसे मीरा भाई ने मंदिर में प्रवेश किया तो ठाकुर जी के मंदिर के किवाड़े बंद हो, और जैसे किवाड़े खुले तो वहाँ मीरा भाई नहीं बस मीरा भाई के वस्त्र भगवान कन्हैया से लिपटे मिले। तो कहना है जाता है, लेकिन प्राण पहले जाते ये बाद में मिलता है, लेकिन उनका तो शरीर मिला ही नहीं कि अगर गया कहाँ है। तन चला गया सक को सक में मत बदलिए। अब आइए एक और गीत इन्होंने गाया, अनूठा गाया कि I'm gonna make it.
साधवी कृष्ण भक्ता कृष्ण की प्यारी मेरा भाई बहुत अच्छा कबीर दास जी और भी हमने कवियों को दिखाया है दिखाई लेकिन मेरा प्रयास कहां से होगा मेरा प्रयास वहीं से होगा कहां से होना चाहिए इधर से उधर से नहीं होगा ऐसा नहीं होगा तो मैं बाप भरू बहू की और यहां पैदा होने लगे मेरा मेरा जवाब भी वहीं से होगा जहां से होना चाहिए बिल्कुल राजा रघुपति राजा